नॉट एक्सपेंसिव बेसिकली, रदर देन थाईलैंड और सिंगापुर, बट अच्छा है। आप शॉपिंग की जब प्लान करें तो आप यहीं से प्लान करें। भाई अभी हम यहाँ पर फुट एंड नेक एंड शोल्डर मसाज करने जा रहे हैं, जो एक्सपर्ट है। ये मलेशिया का बुकिट बिंतान सिटी सेंटर दिखा देते हैं आपको कैसा दिखता है मलेशिया। ये कोई जॉन फुदू रोड एंड का यहाँ पर है अभी हम, सामने नाश्ता वाश्ता करेंगे तो बड़े अच्छे अच्छे व्यूज़ भी हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एंट्रेंस में आपको दिखाता हूँ उसकी क्या है, डी मेजेस्टिक होम्स की। हम लोग सिंगापुर से मलेशिया जो है वो बाय रोड आए, और कोशिश करें कि जब भी आप सिंगापुर आप विज़िट करें तो उसके बाद आप बाय रोड ही आप मलेशिया हैं। तो बहुत बंदा एंजॉय करता है, और चार से पाँच घंटे की सिर्फ ड्राइव थी, और इससे पहले भी वाली वीडियोस में मेरी आप देख चुके हैं। तो हम मलेशिया पहुँचे तो थोड़ा सा एक मसला हो गया था, लेकिन आप ऑनलाइन बुकिंग करा के ही जाएँ लाजमी। हमने booking.com से किया था, तो booking.com से ही करें लाजमी। और उसके अलावा और उसमें ईजी है, कोई इतना मसला नहीं है। तो जब आप बुकिंग कर लेते हैं आप मलेशिया के कुछ होटल्स के अंदर, तो हमने कुआलालंपुर में वहाँ पर कराई थी उसकी बुकिंग। तो हमें एक आईडी दी थी और एक कोड दिया था। तो वो कोड का होता क्या है, जब हम किसी होटल में चेक इन करते हैं तो हर वक्त तो स्टाफ नहीं होता है हर जगह पे, तो वहाँ पर एक लॉकर सिस्टम होता है। हमें एक ईमेल आ गई थी कि आपने ये कोड डाल के अपनी कीज़ ले लेनी है, तो वो कोड गलत था, उन्होंने गलती से बाई मिस्टेक, एक ह्यूमन एरर था। तो हमने कोई इतना शोर नहीं किया, तो वो 2 घंटे लेट आया। हम लोग वैसे ही ऑलरेडी बहुत थके हुए थे। अब मेरी वीडियो से पहले आपने देखा होगा कि मैं वीडियोस बना रहा था, तो वो फारिग टाइम में बना रहा था, बहुत थका हुआ था। तो बस ये मेक श्योर करें कि जब भी आपको कोई पासवर्ड या कोड दे चाबी के लिए, तो आप उससे बोलें कि आप प्लीज़ चेक कर लें दोबारा कि पासवर्ड सही है या गलत है। फिर हमें कीज़ मिली, और फिर हमने जब वो रूम खोला है, और यकीन करें सारे हमारे दर्द और सारे गम ख़त्म हो गए। आप ये मेरी रूम की वीडियो देखें, फिर आगे बात। रूम में जाने वाले हैं 1015 मलेशिया के, खुल चुका है, देखते हैं भाई क्या रूम है। ओह भाई क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, वॉशरूम ज़बरदस्त, सिंगल बेड्स हैं, और व्यू चेक करें, प्रॉपर सिंगल बेड है, व्यू चेक करें भाई क्या बात है, मलेशिया का व्यू भाई। ओहो ट्रेन भी चल रही है भाई, वेरी गुड। ऊपर पूल में जाके नहाएंगे, ज़बरदस्त सिंगल बेड हैं। और ये इन्होंने मिरर दिया हुआ है एक बड़ा बेहतरीन किस्म का, कैटल भी है इसमें और वॉशरूम भी है, इट्स एक्सेलेंट। नाश्ता करने आए हैं मलेशिया में, अपने होटल के सामने देख रहे हैं, फुल ओपन मार्केट रोड के ऊपर बैठ के नाश्ता करेंगे। सबसे पहले आपने अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सिंगापुर में हमें हलाल फूड ज़्यादा नहीं मिला, और वहाँ था लेकिन इतना नहीं था, हमें थोड़ा सा मसला होता था ढूंढने में। तो मलेशिया में आके हमें थोड़ा सुकून मिला कि चलो मुस्लिम कंट्री और वहाँ पर हलाल खाने हैं, खाने तो वहाँ बहुत सारे थे। तो अगर आपको सस्ता और अच्छा खाना, क्योंकि मैं पहले भी हम लोग मिडल ईस्ट घूम के आ चुके हैं, तो हमें केरला के पराठे और वहाँ का सालन और वहाँ की ना देसी इंडियन, तो आपको वहाँ जगह जगह पे मलेशिया में आपको मिलेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पर इस तरह के देसी खाने खाएं, और पैसे भी आपके बचेंगे, उनकी चाय भी अच्छी होती है, उनके अंडे भी अच्छे होते हैं। तो खाने पीना जो है उनका अच्छा है, देसी है, हमारे से मिलता जुलता है। अगर हम एकदम से जाके कुछ खाएंगे तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं बुकिट बिंतान, और हमें मेट्रो कार्ड तो नहीं मिला, हमने टिकट ले लिया है, टिकट परचेज कर लिया है हमने मशीन से, कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये मेट्रो इंडिया स्टेशन है भाई, मेट्रो पे आ चुके हैं हम, मेन कुआलालंपुर जलान पोडू रोड, बहुत अजीब सा नाम है वैसे तो। हाँ नाम थोड़े से वहाँ पर थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, जलान पोडू और इस तरह के कुछ नाम थे जो हम जो है अपनी उर्दू लैंग्वेज में उसको करते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है पढ़ना उसको, बाकी ये है कि कोई ऐसा मसला नहीं था। और अब हम मेट्रो स्टेशन में गए थे, तो वहाँ पर जैसे हमने सिंगापुर में एक सिंगापुर टूरिस्ट पास लिया था, तो यहाँ पर भी होता है मलेशिया में, तो हम लेने गए तो उनके पास वो ख़त्म हुआ था ऑलरेडी, किसी भी मेट्रो स्टेशन पर नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा, पहला ये कि आप टिकट ही ख़रीद लें ट्रेन की, और दूसरा ये कि अगर आपके पास टाइम है तो आप बस में सफ़र करें, गूगल मैप से आप यूज़ करें, बस टू बस जाएंगे, आपके पैसे बहुत कम लगेंगे, बहुत सस्ता है। मलेशिया में ट्रेन की टिकट थोड़ी ये कि एक बार जाने की 4 रिंगिट 3 रिंगिट, तो लेकिन बट ये कि अच्छा है, आप अगर
15 से 20 रिंगिट का आप उसमें लोड करा लेते हैं तो आप काफ़ी दिन उसमें घूम सकते हैं। बस भी अच्छी है, तो आप एक कार्ड आपको वो दे देंगे, आपको टिकट दे देंगे, टोकन दे देते हैं बेसिकली आपको यहाँ पर, तो आपको टोकन देंगे कि इतने टोकन हैं, दो टोकन हैं, यहाँ से वहाँ का है, वहाँ से वहाँ का है, वहाँ से वापस आने का, एक जाने का, एक आने का है, तो आपको टोकन दिखाऊंगा मैं आगे। तो उसको टोकन को आपने सिंपल उसमें मशीन में डालना, ऑटोमेटिकली वो गेट खुल जाएगा। तो कोशिश करें कि मेट्रो यूज़ करें, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप बस में सफ़र करें। आपको बस ईजिली हर स्टॉप पे मिल जाएगी, गूगल मैप से सर्च करें, उस पर नंबर लिखाएगा कौन सी बस कहाँ से जाएगी, तो आप वो यूज़ करें, वो सस्ता भी है और वो बहुत। तो ये है भाई आपका मेट्रो स्टेशन, MRT जिसको बोलते हैं, MRT हम इस्तेमाल करेंगे और अभी जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या सीन। वो तो आगे का दिखा रहा होगा ना, ये मेट्रो है भाई इनकी यहाँ पर, MRT जिसको बोलते हैं। हम सब बैठेंगे, देखते हैं बहुत बड़ी है यार इसकी तो स्टेज। ये इनका मेट्रो स्टेशन है मलेशिया का, क्या टेक्नोलॉजी लगाई है भाई, बहुत पीछे हैं हम लोग, बहुत पीछे हैं, बहुत गहरी है यार ये, बहुत ऊपर से आ रहे हैं हम लोग। भाई अब हम ये बुकित बिंतान पे आ चुके हैं, तो ये अब हम डालेंगे इसमें टोकन, चुटिंग, ये खुल गया भाई, खुल गया भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। बुकित बिंतान पे आ गए भाई अब हम सिटी सेंटर, और देखते हैं कहाँ से जाना, ऊपर से जाना, नीचे से जाना है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो हम मेट्रो से उतरे तो एक उसका बुकित बिंतान सेंटर था, वहाँ पर शॉपिंग मॉल भी था। मोस्टली मेट्रो स्टेशन्स के जो मेन स्टेशन्स हैं वो उसमें शॉपिंग मॉल्स में भी हैं, जो बड़े होते हैं मेट्रो स्टेशन्स, वहाँ पर मॉल्स होते हैं और मॉल से निकल के हमें बाहर जाना होता है। तो हमने कुछ देखा, वहाँ शॉपिंग भी थी, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि थाईलैंड और सिंगापुर के अलावा आप कहीं से शॉपिंग ना करें, आप सिर्फ शॉपिंग करें आप मलेशिया कुआलालंपुर में, वहाँ पर ये मुस्तफ़ा सेंटर भी है और बहुत सारी जगह हैं, लेकिन जो मैंने एक बड़े बड़े मॉल देखे, आप किसी मॉल में चले जाएं, आपको 30 रिंगिट, 40 रिंगिट, 50 रिंगिट, 60 रिंगिट, आपको आपकी रेंज में आपको कपड़े मिल जाते हैं, चाहे अच्छे से मॉल लें या कम से कम मॉल में, जैसे भी लें। अभी आपको मैं आगे भी मार्केट्स दिखाऊंगा, हम शूज़ मार्केट भी गए, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो मलेशिया इज़ वेरी नॉट एक्सपेंसिव बेसिकली, रदर देन थाईलैंड और सिंगापुर, बट अच्छा है। आप शॉपिंग की जब प्लान करें तो आप यहीं से, ब्रांड का नाम है सोडा, तो यहाँ आपको कितने 79 में प्रोमो चल रहा है भाई, 79 में आपको एक पैंट मिलेगी यार, ये भी अच्छी है शर्ट यार, नाइस स्टफ, अच्छा है, मलेशिया में कपड़े अच्छे हैं, नॉट बैड। ये देखें 99 रिंगिट में, ये अच्छा जैकेट है, ये सोडा का, दिस इज़ नाइस। 59 में 2 टी शर्ट, दो है ना साथ में, अच्छी है ना, मतलब 2500 की तकरीबन, 2500 की 2 टी शर्ट, और ये क्या बोल रही है, उर्दू बोल रहे, हिंदी भैया थोड़ा जोर से बोले इसको, मलेशिया का बुकित बिंतान सिटी सेंटर, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, चेक करें आप बुकित बिंतान, ये है बुकित बिंतान मेन मलेशिया का, जो काफ़ी अच्छा एरिया कहलाया जाता है, आप
साफ सफाई देखें यहाँ की आप, बेहतरीन कहीं लगेगा आपको क्या आप अच्छी यूरोप या यूएस वगैरह में आए हैं। बहुत अच्छा है, नाइस है। ये हमारे मेट्रो जा रही है ऊपर, मेट्रो स्टेशन है, लेफ्ट साइड पे भी मेट्रो है, ये रात में शाम में गुजरती है, पीपल के अभी भी गुजर रही है। तो थोड़ा एक रिव्यू बनाते हैं यहाँ का। हाँ जी भैया, तो आज हम मौजूद हैं कुआलालंपुर में, मेन स्ट्रीट है ये बुकित बिंतान। सफाई देखें आप, है सफाई हमारे यहाँ की, है सफाई भाई। ये भी मलेशिया है, ये भी वही यहीं के लोग हैं, ये भी इंसान है जैसे हम इंसान हैं, वहाँ का जा रहे हैं भाई। देखिए मेट्रो आ रही है, वो देखें आप, हम मेट्रो बना रहे हैं, पूरा शहर तोड़कर बसें बना रहे हैं। और ये देखिए कैसे घूम रही है यहाँ पर, मलेशिया है भाई, ये भी कोई इतनी इतनी कोई महंगा शहर नहीं है, यहाँ पर सस्ता है बहुत। इंतजाम देखें, बदतमीजी को ये मेन बुकिट पिंटाउन है, बहुत अच्छा है। आगे चल के देखते हैं और क्या क्या चीज़ यार, ये दिखाना यार, देखें ना कितना अच्छा है ये लोग। मौसम भी अच्छा हो रहा है वैसे, अच्छा मौसम है, दिन में गर्मी है लेकिन रात में सर्दी है भाई। अभी हम वे टू बुकिट पिंटान ही है, मेन बुकिट पिंटान चल रही है रोड की, और बहुत ज़बरदस्त यार, अच्छा है यार। मतलब गर्मी है आज थोड़ी, लेकिन शाम में मौसम अच्छा हो जाता है। कुनाफा किंग, क्या कुनाफा है ना। अच्छा, आपने कुनाफा जो है ट्राई लाजमी करना है मलेशिया में, बहुत मज़े का बनाते हैं ये लोग, इनकी स्पेशलिटी है कुनाफा। और उसके साथ साथ आप लेमन जूस, इनके स्ट्रीट फूड होता है वो आप खाएं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सस्ते हैं और बहुत 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 मज़े के होते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लोग कुछ दो नंबरी करते हैं, बिल्कुल जो लिखा होता है, जो जो दिखा रहे होते हैं वही फूड देते हैं। तो इनका फूड भी अच्छा है, इनकी फूड स्ट्रीट भी अच्छी है और सस्ता भी था, इतना महंगा भी नहीं है। और मैंगो जूसेस, हर तरह के जूस आपको फूड स्ट्रीट जो है आपको स्ट्रीट्स पर मिलेंगे मेन बुकिट बिंटान के ऊपर। तो आप लाजमी वहाँ जाएं, रात को भी जाएं, दिन की लाइफ अलग है, रात की लाइफ अलग है, तो बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करें आप। आम ही आम है, हर तरह का आम का जूस दस्तयाब है, आम पिए इंजॉय करें। तो भाई ये इनकी मेन स्ट्रीट है खाने पीने की, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, बेहतरीन कुछ मिलेगा, मैं आपको और दिखाता हूँ ज़रा स्ट्रीट होटल। ये इनका मेन एरिया है बुकिट बिंटान का, पता नहीं कौन सा अंदर, राजू करके कुछ नाम है। ये मेरे पीछे देखें आप, ये ट्रेन चलती हैं, यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, लाइट्स है, बहुत कुछ है, बड़ा अच्छा साफ सुथरा इन्होंने अपना मॉल रखा हुआ है। हाउ मच इज दैट? 5 रिंगिट। ओके, व्हाट इज दैट? फिश। Fish, chicken. It's chicken. This otta fish. Tauta. It's halal. कैसा है? देखिए उसी खा ले भाई। Chicken fried, chicken tender. दुनिया का फ्लेवर है इनके पास। जॉगर ही जॉगर है भैया। ये अच्छे यार,
बहुत भारी है, 120। दिस नाइस। ये कम करेगा पैसे बताओ। ये कौन सी सीट बोली थी उसने? नहीं, सीट ये पाकिस्तानी एक इंडियन कजिन मिला है हमें, जबरदस्त किस्म का। देखते हैं कैसा क्या आगे। दिस इज नाइस। जो कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था जिसमें पूरा बुफे लगा हुआ था, आप अलग अलग डिशेज ले सकते हैं। एक बुफे आप लेंगे थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट आप एक डिशेज भी ले सकते हैं। वहाँ की चाय बहुत अच्छी है, और पेशावर के लोग थे और पंजाब के भी थे, कराची के भी थे। बहुत बहुत ज़बरदस्त, साफ़ सुथरा, बहुत ज़बरदस्त खाना था, प्योर पाकिस्तानी खाना। तो इस रेस्टोरेंट में लाजमी जाएँ। हम तो बस यहाँ इसी बहाने से चले आते थे, तो यहाँ वहाँ की नाइट लाइफ भी अच्छी थी। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको हम पूरा वॉकिंग टेल्स दिखाएंगे मेन बुकित बिंतांग का, और वहाँ की तो चाइना फूड स्ट्रीट है, और जो मेन उनकी स्ट्रीट है वो पूरी वॉकिंग टेल्स वीडियो है नेक्स्ट आएगी, तो वो लाजमी देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू भाई। अभी हम यहाँ पर फुट एंड नेक एंड शोल्डर मसाज करने जा रहे हैं, जो एक्सपर्ट है। तो देखते हैं जगह कैसी है। चलो